हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग ना पालकी से आए हैं, उसका सेपरेट व्लॉग आएगा। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी स्ट्रॉबेरी खाने की। मार्केट गई थी स्ट्रॉबेरी लाने के लिए, पर वहाँ पे स्ट्रॉबेरी ना उतनी फ्रेश नहीं है। तो सोच रही हूँ सीधा क्यों ना स्ट्रॉबेरी फार्म पे चले जाए और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी खाए। तो आइडिया कैसा है? अच्छा है ना? स्ट्रॉबेरी तो खानी है, तो अभी चलते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म। तो इतना खूबसूरत रास्ता तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेलम, जहाँ पे है स्ट्रॉबेरी फार्म। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉबेरी फार्म का है और दो स्ट्रॉबेरी फार्म्स हैं। चलो वहाँ पे देख के और स्ट्रॉबेरी खाते हैं। फार्म में जाने से पहले ना आपको मैं थोड़ा बहुत गांव दिखाती हूँ कैसा दिखता है बाहर से। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। ये देखो गांव है यहाँ पे। वो मैं बता रही थी ना आपको, ये एक स्ट्रॉबेरी फार्म है, इस तरफ जाने के लिए एक स्ट्रॉबेरी फार्म है, माध्यम खड़ा है ना वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फार्म है। ये देखो ये साड़ी से लपेटा हुआ, उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज है। माध्यम वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गया है। आए हैं ना तो तीनों फार्म देखेंगे। पहले जाएंगे इस वाले फार्म में, फिर जाएंगे इस वाले फॉर्म में। तो ये रहा स्ट्रॉबेरी फॉर्म। इतना बड़ा ये पूरा महिला मंडल का है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का है। ये रहा पहाड़ और ये रहा पूरा फार्म और ये रहा माध्य स्ट्रॉबेरी निकालते हुए। मुझे ना एक स्ट्रॉबेरी मिली है, देखते हैं टेस्ट करके गोवा की फार्म की स्ट्रॉबेरी कैसी लगती है। मुझे भी दे देना। बहुत अच्छी है टेस्ट में भी। ये रही फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। कितना रंग देखो, कैसा लाल लाल है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसका प्राइस ना 80 रुपीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, इनका वेलम विलेज का। और हम अभी जा रहे हैं दूसरे फार्म पे। तो ये है दूसरा फार्म। ये फार्म थोड़ा बड़ा है, देखो। हम लोग पीछे वाले फार्म पे गए थे ना, वो फार्म और ये वाला फार्म ना एक साथ बना था। मतलब ये बन के करीबन 5 साल हो गए ऐसे बोल रहे थे। और द फर्स्ट फार्म देखा था जहाँ पे महादेव ने इन्फॉर्मेशन पूछी थी ना, वो वाला फार्म पिछले साल ही बना है। तो यहाँ पे संडे को ना बहुत भीड़ होती है, अभी तो नहीं है क्योंकि आज मंडे है ना, सभी अपने काम पे चले गए हैं। तो वैसे कहूँ तो बाज़ार और यहाँ की स्ट्रॉबेरी कंपेयर करो तो ना, यहाँ की स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी है और पकी हुई तो और भी टेस्टी लगती है। अभी मैं आपको इस फार्म का पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखो ये व्यू पूरा,
टाइम 12:30 हो रहा है और धूप भी बहुत हो गई, इसलिए ना अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। पीछे वाले फार्म पे गए थे क्योंकि वहाँ पे ना एक साइड में थोड़ी सी छाँव आती थी, अब इस वाले फार्म में छाँव भी नहीं है। यहाँ से देख लीजिए फार्म, और ये रहा थर्ड फार्म चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस गांव देखने के लिए कैसा है। ये देखो उनका खेत, और ये है यहाँ का फेमस रामनाथ मंदिर। आई होप आपको स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन और वेल्लम गांव देखने में मज़ा आया होगा और आपने एक गोवा का इंटीरियर गांव देखा होगा। और यहाँ के छोटे से सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने बड़े स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन लगाते हैं गवर्नमेंट की मदद से। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।